नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। टुडे आई हैव विद मी मोहम्मद आफताब आलम अंसारी। ही इज अ सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ नीट 2020 एंड ही इज डूइंग हिज एमबीबीएस फ्रॉम सफाई मेडिकल कॉलेज। कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद आफताब। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा फील हो रहा है आपको ये एप्रन पहन करके और डॉक्टर बनने के बाद? सर काफी अच्छा फील हो रहा है सर, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि एप्रन होना सर डॉक्टर का ही सर, डॉक्टर के लिए मतलब सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि वो एक वाइट एप्रन पहने। तो सर एप्रन पहन के मुझे भी काफी अच्छा फील हो रहा है, और जब मैं सेलेक्ट हुआ तो सर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरी फैमिली में भी सब खुश थे, काफी ज्यादा खुशी हुई मुझे सिलेक्शन के बाद। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू जब हम स्टेथो पहली बार अपने गले में डालते हैं, जो वाइट एप्रन पहनते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जब उसे पहनाते हैं और उनकी आंखों में जो चमक देखने को मिलती है, हम लोगों को जो खुशी देखने को मिलती है, तो वो ऐसा लगता है कि सारे एफर्ट्स जो थे हमने दिए वो सारे के सारे अब आंसर्ड हो गए। बिल्कुल सर, मतलब सर एप्रन पहनने के बाद ही सर मतलब पेरेंट्स का एक अलग ही खुशी रहती है सर उनको। यस, तो ये मोहम्मद आफताब आलम अंसारी जी हैं और ये अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मोहम्मद आफताब जी, पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपने तैयारी शुरू की? सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड मेरा सर कुछ अच्छा नहीं है, मतलब मेरी फैमिली में कोई इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं है सब, मतलब मेरे फादर हैं वो 12th पास आउट है और मेरी मदर हैं वो 10th पास आउट है, मतलब कोई एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मुझे पढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा बैकग्राउंड ही है जो उन्होंने, ये सोच थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने और उन्होंने आपके लिए एफर्ट्स दिए और उन्होंने, आपने भी उनका सपना पूरा किया। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पेरेंट्स को भी। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर बाय ऑक्यूपेशन एक टेलर। अच्छा अच्छा, तो देखिए आप लोग किस बैकग्राउंड से मोहम्मद आफताब जी आए हैं और ये इस समय सफाई मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन जाएंगे अभी ये कुछ दिनों बाद, और ये अपने समाज की और हमारे समाज की सेवा करेंगे। तो बहुत ही बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपकी रैंक कितनी थी? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरी स्टेट रैंक सर 1081 थी। अच्छा, तो आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था और ये इनकी स्टेट रैंक थी। तो आप कुछ उस समय के बारे में बताएंगे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, किस तरह से आपने अपने आप को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकाला, क्योंकि उस समय तो कुछ पिक्चर भी क्लियर नहीं थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एन एंड, खत्म होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू एन एंड। तो उस समय आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, किस तरह से अपनी तैयारी को बनाए रखा? सर लॉकडाउन से पहले तो हमारी कोचिंग ही इतनी अच्छी चल रही थी सर, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी रेगुलर और हम लोग अटेंड करते थे क्लासेस, सारे टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे हमको, रिवीजन कराते थे, सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी अच्छे से। और जब लॉकडाउन लगा तो सर एकदम से मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो लॉकडाउन जब लगा तो थोड़ा सा पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे डायरेक्ट हमारा टच बना रहा सिंह सर के थ्रू, सिंह सर डायरेक्ट हमारे टच में रहे और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना, तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमको जो भी मतलब जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होती थी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेते थे। लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था तो हम लोगों ने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे टॉपर्स के, और वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग अपनी क्वेरीज पूछा करते थे। और ऑनलाइन क्लासेस होती थी रेगुलर, यूट्यूब पे सर वीडियोस डाले जाते थे, लाइव क्लासेस होती थी, सिंह सर मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंह सर ने मोटिवेट करा है। और लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ फ़ौरन ही मतलब सिंह सर सबसे पहले उन्होंने ही बोला कि बेटा आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ भी हैं वहीं रहें अपना, और सिर्फ इंटरनेट की भी अगर आपको दिक्कत है तो वो भी मुझे बताएं, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, बस आप ये मतलब पढ़ाई भी। डॉक्टर एस पी सिंह सर का ही विज़न था कि उस समय जब दुनिया पूरी स्ट्रेस में थी तब भी उन्होंने बच्चों को मोटिवेट रखा और उनकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से कंटिन्यू रखी और उसमें आप लोगों की काफी हेल्प भी की। यस, बहुत ज्यादा सिंह सर ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी सर, मतलब हर चीज से सर, फाइनेंशियली मतलब आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत थी तो हर तरीके से उन्होंने हेल्प करी हमारी। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन की थी, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? यस सर, कोचिंग मैंने सिर्फ न्यू लाइट ही ज्वाइन करी थी। न्यू लाइट में ही मतलब मैंने जितना भी मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने तीनों साल मैंने जो कोचिंग करी थी वो न्यू लाइट से ही करी थी। और सर जब मैं आया था न्यू लाइट इस बार तो
तो न्यू लाइट का क्राइटेरिया था कि अगर 500 प्लस जिसके स्कोर थे नीट 2019 में, तो उसके लिए कोचिंग बिल्कुल फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर मेरी कंडीशन भी थोड़ा, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो सर मैं स्टार्टिंग में तो सोच रहा था, मेरे पेरेंट्स भी सोच रहे थे कैसे मैं कोचिंग कराऊं, लेकिन जब पता चला कि सिंह सर बंदा बिल्कुल फ्री ही कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने फिर से न्यू लाइट कोचिंग ज्वाइन कर ली सर। हाँ, तो आपके लिए काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा। जब एक या दो अटेम्प्ट हो जाते हैं तो परिवार के ऊपर भी, पारिवारिक स्थिति कई बच्चों की उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उस समय सिंह सर जैसे लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हाँ बहुत मददगार ज़्यादा हेल्प साबित करी होते हैं सर। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो मोहम्मद आफ्ताब जी की सिंह सर ने मदद की, उनको फाइनेंशियली हेल्प की। ठीक है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था नीट की प्रिपरेशन के लिए? सर डेली रूटीन में यही है सर, सिंह सर भी हम लोगों को, मतलब मेन जो रोल रहा है वो इस ईयर वो सिंह सर का ही मेन रोल रहा है। वही हम लोगों को हमेशा बोलते थे कि कुछ नहीं आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है, और जो भी जितना भी हम बता रहे हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। तो हाँ, मेरा भी क्योंकि डेली ऐसे बच्चे रूटीन, काफी ज्यादा इधर उधर यस सर, रिसर्च करते रहते हैं, पीएचडी किए तो डाल सर रहे हैं सिंह सर हम टॉपिक्स लोगों को पे। बहुत ज़्यादा डांटते थे, कभी देख लेते थे कि हम लोग कुछ इधर उधर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो वो हम लोगों को डांटते थे कि बेटा ये सब ना पढ़ो, और सिर्फ एनसीईआरटी पेपर भी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं नीट का पेपर भी सर टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो मेरा भी यही रहता था पैटर्न कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिविजन करता था, पढ़ता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सिर्फ एनसीईआरटी से ही। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो और एनसीईआरटी पे यस सर, फोकस मोर देन रखो। सफिशियंट। तो मोहम्मद आफ्ताब जी का कहना ये कि एनसीईआरटी पे फोकस किया जाए, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ की टेस्ट सीरीज वगैरह चलती हैं उनमें क्वेश्चंस हैं, बस इतना भी अगर अच्छे से आप करके प्रैक्टिस करके फीड में, परमानेंट मेमोरी में फीड करके जाते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सब। तो आपका स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन क्या था, किस तरह से आप नोट्स बनाते थे? सर नोट्स, नोट मेकिंग मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से अगर देखा जाए, और कुछ लोग होते हैं अपनी बुक्स में ही हाईलाइट कर लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाना मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि नोट्स में सर हम लोगों को बुक्स तो सबके पास अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सब सेलेक्ट नहीं होते हैं। आप जो सिलेक्शन के लिए टीचर के गाइड चाहिए, जो समराइज करके नोट्स बनाते हो वो आपके लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी बहुत ज़्यादा ज्यादा हेल्पफुल होते हेल्पफुल हैं। होते यस हैं। सर, नोट्स मेकिंग मतलब सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स जी जी पढ़ाते हैं, टीचर्स जो बुक के लैंग्वेज है उसी को इजी तरीके से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, और नोट मेकिंग मतलब यही है कि हम उस चीज़ को ग्रास्प करके अपने दिमाग में समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में उसको लिख लें, ताकि जी बाद में, क्योंकि हम लोगों का माइंड इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज़ अपने माइंड में ही स्टोर करके रखें, और अगर रिवीजन ना करें तो हर सबका मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने हमारे माइंड में रहती है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर ने हमको वो चीज़ कैसे पढ़ाई थी, तो एक बार जी फिर से नोट से देख लेंगे तो फिर से मतलब पूरा एक्टिव हो जाएगा हमारे माइंड तो नीट का जो प्रिपरेशन है, ये नीट एग्जाम काफी स्ट्रेसफुल जॉब है, पूरा साल भर आप लगे रहते हो, फिर हो सकता है आपका ना हो पाए, फिर दूसरी साल फिर उसी एनर्जी के साथ, तो ये काफी स्ट्रेसफुल जॉब हो गया। तो इसमें आप डी स्ट्रेस अपने आप को कैसे करते थे, सर। मतलब डी स्ट्रेस म्यूजिक के, सुन के, मूवी देख के, मेडिटेशन से, किस तरह से? सर डी स्ट्रेस होने के लिए सबसे पहले तो सर स्ट्रेस मतलब हमारे दिमाग में स्ट्रेस होना ही नहीं है, क्योंकि सर अगर बहुत ही स्टार्टिंग अच्छी बात कही मोहम्मद स्टार्टिंग आफ्ताब ने कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं। तो जब आपके अंदर ललक होगी ना किसी चीज को पाने की, तो आपको स्ट्रेस फील ही नहीं होगा। वेरी गुड मोहम्मद और आफ्ताब। सर स्टार्टिंग से ही अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, स्ट्रेस हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ का होता है, अगर जो नीट एस्पिरेंट है उसको स्ट्रेस होता है अपनी पढ़ाई को लेकर कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो अगर स्टार्टिंग से ही आपने एक रेगुलर अपना रूटीन शेड्यूल बना के रखा है, हर चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हैं, और कंटिन्यूएशन आप सबसे ज़रूरी चीज़ है, कंटिन्यूएशन अगर आप कंटिन्यूएशन मेंटेन करें हैं और तो सर स्ट्रेस दिमाग में आपके आएगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ आपकी अप टू डेट चल रही है, तो स्ट्रेस का ही कोई मतलब बात ही नहीं आती सर। बहुत अच्छी बात कही है मोहम्मद आफ्ताब ने। हम लोग बड़ा कंप्लेंट करते रहते हैं काम से ये रिलेटेड, ये स्ट्रेस है, पढ़ाई का ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस, बट जब अगर आपका जुनून है, जुस्तजू है किसी चीज को पाने की, तो फिर आपको स्ट्रेस फील ही नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा मोहम्मद आफ्ताब, यस आपकी सर, सोच बहुत ही अच्छी है। मेरी ऊपर वाले से ये दुआ यस रहेगी सर, कि आप बहुत अच्छा लाइफ में करें, थैंक यू सर। बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अपनी सोसाइटी को,
अपने हुनर से फायदा पहुंचाएं। तो नीट की तैयारी के लिए आपने किताबें कौन कौन सी पढ़ी थी? सिर्फ एनसीईआरटी? अगर हम लोग कोई, जैसे मैंने कहा था सर, अगर हम लोग कोई भी किताब एक्स्ट्रा पढ़ते भी थे तो सिंह सर हम लोगों को बहुत ज्यादा डांटते थे। उनका मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से कोचिंग ज्वाइन करे तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही उनका कहना था, बेटा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना हम बता रहे हैं और जितना मतलब हम बता रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ना है, और घर पे अपना जो भी पढ़ना है तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको, और तीनों सब्जेक्ट में पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ बायो में ही, आपको तीनों सब्जेक्ट में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तीनों में एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अलग से आपको अगर लगता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कई सारे बुक्स हैं, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कई लोग फॉलो करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मतलब मेन सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर ही बाद में आपको सोचें। तो पहले पहले सबसे पहले आपको अपना 100% एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। और इन्होंने जिस तरह से अपने टीचर, अपने सर, अपने गाइड डॉक्टर एसपी सिंह सर की बात को अक्षरशः फॉलो किया, आप लोग भी जिस टीचर, जिस गुरु के भी संपर्क में हो, वो जैसा आपको गाइड कर रहे हैं उस पर आप पूरा भरोसा रखिए, और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, जैसे मोहम्मद आफताब जी को मिली। क्योंकि जिस डॉक्टर के पास आप गए हो उसका ट्रीटमेंट का फायदा तभी मिलेगा जब वो डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट कर रहा हो वो फॉलो करें। तो अगर आपने कहीं पर भी ज्वाइन किया है तो जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, जो आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी बात को अच्छा फॉलो करें। बहुत ही अच्छा। नीट का क्रैक करने के लिए रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंस है, आप कितना वेटेज देंगे रिवीजन को? सर रिवीजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन है, क्योंकि हर चीज़ मतलब हर किसी को सर एक बार में कोई भी चीज़ नहीं पता चल पाती है, तो रिवीजन करने से हमको हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है कि कौन सा टॉपिक हमने कितना अच्छे से कवर करा था, और कौन से टॉपिक में जैसे एक बार में मैंने कोई चीज़ पढ़ी मुझे नहीं आती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने एक बार में पढ़ लिया, रिवीजन करने पर मुझे वही चीज़ अगर फिर से मैं पढ़ूंगा तो वो चीज़ मेरे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगी, तो फिर अगर मैं कभी भी कोई भी मुझसे उस चीज़ के बारे में पूछेगा तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो रिवीजन का सबसे ज़्यादा महत्व सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मोहम्मद आफताब जी का कहना है कि अगर आप चीज़ें अपनी फ्रेश मेमोरी में रखना चाहते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक्यूरेसी का एग्ज़ाम है, अगर जहाँ पर जरा से भी आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ें आपकी फ्रेश मेमोरी में हो। और फ्रेश मेमोरी में रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, गो फॉर एन नंबर टाइम्स ऑफ रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो आप करो, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, नीड बेस्ड होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, बस बहुत ज़्यादा इधर उधर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे मोहम्मद आफताब जी, और आप अपने नीट एस्पिरेंट, जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे, उनको क्या एडवाइस? सर मेरे फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग भी जैसा कि मतलब सिंह सर एडवाइस करते हैं और मैं भी यह एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग जिस कोचिंग में आप आए हैं, एडमिशन लिया है, तो उस पर एक बार ट्रस्ट ही कर लीजिए, सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करिए, और जैसा कि वो बोल रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिंह सर हमेशा बोला करते हैं, तो एनसीईआरटी पर ही आपको फोकस रखना है, बायोलॉजी में पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जितनी बार भी हो सके। ये ना आप सोचिए कि मैं दो बार पढ़ चुका हूँ तो अब बोरिंग लग रहा है, बोरिंग नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ठीक है, लेकिन आपको जब वो ड्रीम मिल जाएगा तो वो खुशी को सोचकर आप एक बार फिर से पढ़िए उसको, और हर बार जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी में, सबसे खासकर बार बार उस चीज़ को रिवाइज करिए, और रिवीजन और केमिस्ट्री की बात करूँ मैं तो केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी सबसे मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मस्ट है, केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप जो बुक फॉलो करते हैं, न्यूलाइट हमारी कोचिंग में अगर हैं तो आप न्यूलाइट का मॉड्यूल आपको मिलेगा, तो मॉड्यूल में ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो न्यूलाइट का मॉड्यूल आपको फॉलो करना है। फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो बुक आप फॉलो करना चाहते हैं,
और लास्ट में पेपर के पहले आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, तो अनसॉल्व की क्वेश्चन प्रैक्टिस कई बार करिए, और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट कोई भी तैयारी नहीं करनी। मतलब पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन अपनी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही रखनी है। हाँ, तो मोहम्मद आफ्ताब जी का कहना है कि आप अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रहें, प्लस टेस्ट सीरीज रेगुलर अटेंड करते रहें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, और आपको आपकी अपनी मंजिल मिलेगी वैसे ही जैसे मोहम्मद आफ्ताब जी को मिली है। तो मोहम्मद आफ्ताब जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो जैसा मच कि हम सर। लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपके साथ नीट के बाद भी रहेंगे, तो नीट के साथ भी और नीट के बाद भी बिल्कुल उसी को पूरा करते हुए ये आपको चेक दे रहे हैं हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, और ये आपको फर्स्ट ईयर MBBS में मिलता रहेगा रेगुलर। मोहम्मद आफ्ताब आलम सारी जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये थे हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट मोहम्मद आफ्ताब जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।